अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान मेहरुल निसा और मैं दिलबर इरशाद। आइए नजर डालते हैं सुबह की अहम तरीन खबरनामे पर। सुबह जम्मू और खिता चिनाब में दशहरा जोश खरोश से मनाया गया, वहीं सियासी लीडरान ने इस मौके पर लोगों को दी मुबारकबाद। और वहीं इंडियन अलायंस में शामिल तमाम लीडरान हल्फ बद्दारी की तकरीब में होंगे शामिल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। सरकारी महकमों में भर्तियां सिर्फ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा, एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट रूल्स में की तरमीम। जनूबी कश्मीर में 3 गैर मुकामी मंशियाती फिरोश गिरफ्तार। पंचायतों की नई हदबंदी का अमल नवंबर दिसंबर से शुरू होगा, म्युनिसिपल इदारों की हदबंदी हुई मुकम्मल, जराए। इंजीनियर रशीद की उबरी जमानत में 15 अक्टूबर हुई तोसी, एलजी से बरतरफ मुलाजमीन का दोबारा जांच का उठाया मामला। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम, एमडी डायरेक्टर दिगर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने किया केस दर्ज। जम्मू कश्मीर असेंबली में 90 मेंबरान से 70% से ज्यादा ग्रेजुएट, 4 अंडर मैट्रिक्स, 9 मैट्रिक्स, 1 दर्जन 12वीं पास मेंबरान मुंतखब। 370 की बहाली के लिए पार्लिमानी फैसले की जरूरत, उमर अब्दुल्ला अकेले कुछ नहीं कर सकते, सत्यपाल मलिक का बयान। अब ट्रैफिक अपडेट, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर दो तरफा आमदोरफ्त रहेगी बहाल, ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक चलें ट्रैफिक हुकाम। मजीद खबरनामे के लिए हमारी वेबसाइट www.vmnews.in पर विजिट करें। अगले शुमारे तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।